हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो आई शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट आने वाला है। गाइस, अब तक हमें लग रहा था कि पत्रकार पोपटलाल कालाबारी करने वाले गैंग के मेंबर के जाल में फंस चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर पोपटलाल अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके पास पहुँचे हैं, यानी कि वो चाह रहे थे कि कालाबारी करने वाले गैंग के मेंबर उसे किडनैप करें ताकि पोपटलाल उनका स्टिंग ऑपरेशन कर सके। एंड फाइनली वही हुआ, उन लोगों ने पोपटलाल को किडनैप कर लिया और इस समय पर पोपटलाल उनका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अब की सबसे बड़ी बात यह है कि पोपटलाल के पास जो पेन था वो तो टूट चुका है, तो आखिर पोपटलाल स्टिंग ऑपरेशन किससे कर रहे हैं? वेल, इस समय पर उनका साथ दे रहा है उनका सबसे बड़ा साथी, यानी कि उनका छाता। तो छाते के अंदर पोपटलाल ने कैमरा छुपाया हुआ है और उस कैमरे से ही पोपटलाल स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अब तक पोपटलाल और उस गैंग के मेम्बर के बीच में जो भी बातें हुई हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि सबूत के तौर पर तब कम आएंगे जब इंस्पेक्टर चालू पांडे उसे पकड़ लेंगे। तो इस लगता है कि पत्र का पोपटलाल का मिशन काला कौआ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस समय पर सबसे बड़ी बात यह है कि चेटालाल पूरे रिसोर्ट में पोपटलाल को ढूंढ रहे हैं, वो उनके पास कैसे पहुंचेंगे।